आरपीओ मुल्तान मेहर वसीम सयाल शहरे ओलिया मुल्तान के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि वो खुली कचहरी लगाएंगे और हर हफ्ते दो घंटे के लिए खुली कचहरी में बैठेंगे, लोगों के मसाइल सुनेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं रजा मलिक से। रजा मलिक बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डिवीजनल और ज़िलाई इंतजामिया ने पुलिस के साथ मिलकर खुली कचहरियां लगाने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले की कड़ी में आज तहसील शुजाबाद में भी लगाई गई, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर मार वसीम सयाल भी शरीक हुए। न सिर्फ शरीक हुए बल्कि मौका पर ही जो अहकाम जारी किए। जी सर, आपने देखा कि किस तरह की जो महरूमियां हैं यहाँ सामने आई और आपने जो हिदायत और जो अहकाम जारी किए उस पर किस हद तक अमल दरामद होगा, उसको कैसे चेक करेंगे? अभी आपके सामने ही हमने जो किया है, लोगों के जो इश्यू थे, हमने कहा कि पब्लिक सर्विस कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, जिसमें सर्विस डिलीवरी के लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पे ही हल हों। इसी वजह से मेरे साथ सीपीओ साहब, इन्वेस्टिगेशन के जो एसएसपी साहब हैं और एसएसपी ऑपरेशन, एसपी मुतलका, हम सारी टीम लेके आए हैं ताकि हम ये देखें कि जो हम दफ्तरों से हदायत जारी रखते हैं उसका और अवाम तक पहुंचना, इसका कोई मिसिंग लिंक तो नहीं है, कोई लोगों की ऐसी चीजें तो नहीं जो हमारे इल्म में नहीं, लेकिन ये लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हमेशा फायदा होता है। कई ऐसी चीजें, नई चीजें बंदा सीखता है, जैसे कि हम अपनी इसमें और बेहतरी लाएंगे। और जो अफसरान की टीम है हमारे साथ मुल्तान में, मेरे ख्याल से बेहतर टीम और हो नहीं सकती। यहाँ एएसपी साहब लग गए, साथ इनके एसपी साहब है, काजमी साहब हार्ड वर्क हैं, एसएसपी ऑपरेशन, सीपीओ साहब इन्वेस्टिगेशन, दिन रात हम कोशिश में हैं कि कोई ना कोई बेहतरी हो। और उसी कोशिश की ये कड़ी है कि हम सारे आपके सामने अपना ऑडिट करा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो बिलखसूस यहाँ शुजाबाद में खवातीन ने जो अगवा के हवाले से और ताजरों ने जो डकैती की वारदातों के हवाले से बातें की, तो उस हवाले से क्या लाहेमल होगा पुलिस का? उस हवाले से तो पहले तो हम जो हुई हैं, पहले तो ये पहली कोशिश है कि दोबारा ना हो, और सेकंड के जो हुई हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करके रिकवरी करके दें मैक्सिमम। और जो अगवा की वारदातें हुई है जिसपे खवातीन पे आपने हिदायत भी जारी किया कि 15 दिन में जो है वो उसको हर सूरत में बरामद किया जाए, तो उस वाले से कैसे उसको अमली जमा पहनाया जाएगा? इंशाल्लाह बरामद होगी, जब ये पता है कि बंदा किस जगह, तो औरत भी मिल जाएगी। जी बिल्कुल, इस हवाले से आरपीओ मार वसीम साहब का कहना है कि बिल्कुल जो लोगों के मसाइल हैं, जो शहरों के मसाइल हैं, वो हर सूरत हल किए जाएंगे। जी।